ट्रेवलिंग इंडिया.com की टीम आज नकुल से छत्तीस मंदिर से आई हुई है। 4 जुलाई 2019 को कल रथ यात्रा निकल जाने वाली है। इसी संदर्भ में आज हम आए हुए हैं जगदीश चौक पर। हमारे मित्र हैं जोगिंदर जी राजपुरोहित, जो कि उदयपुर के इतिहास में काफ़ी बड़ा दखल रखते हैं, काफ़ी बड़ी नॉलेज रखते हैं उदयपुर के इतिहास के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे जगदीश मंदिर का इतिहास, किस तरीके से जगदीश भव्य मंदिर बनाया गया था महाराणा जगत सिंह के द्वारा, क्या क्या खर्चा किया गया था महाराणा जगत सिंह के द्वारा जगदीश मंदिर को बनाने में, क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी लोगों की जगदीश मंदिर को बनाने के दौरान, किस किस तरीके से भव्य आयोजन किया गया था, क्या भव्य भोज रखा गया था, इस इन सभी बातों के बारे में आप जानकारी देंगे। आगे जोगिंदर जी राजपुरोहित। नमस्कार दोस्तों, जगन्नाथ स्वामी की जय हो। आप जैसा कि देख रहे हैं अभिषेक हो रहा है, मौका बहुत अच्छा है और कल भव्य रथ यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है और ये 96 से रखा जाना लगा है और बढ़ते बढ़ते आज इसका इतना बड़ा स्वरूप हो गया है कि अभी अखबारों में न्यूज़पेपर में व्याख्या आई थी विश्व में तीसरे नंबर की रथ यात्रा जिसमें इतने लोग शिरकत करते हैं, बाहर से गाड़ियां भर भर के आसपास के संभाग के लोग वगैरह आते हैं। तो ये एक ऐसा अपने आप में मुकाम रखता भी है जगदीश मंदिर। आप ये देखिए कि आज ऐसा कोई सैलानी नहीं है जो जगदीश मंदिर में, वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो जगदीश मंदिर में आकर न जाए। यहाँ की वास्तुकला अपने आप में अलग नमूना रखती है। कई बार ये आक्रांताओं के आक्रोश का, उनके द्वेष का गवाह रहा है, ऐतिहासिक इसका महत्व रहा है। यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं ये शिलालेख लगे हुए हैं, इन शिलालेखों के क्रम संख्याएं दी हुई है और इन शिलालेखों पे इनका इतिहास लिखा हुआ है। इन शिलालेखों पे बताया गया है कि जब इस मंदिर की स्थापना की गई थी महाराणा जगत सिंह जी ने, तब सन 1652 के अंदर इन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। उस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इन्होंने 700 हाथी और सैकड़ों घोड़े दान किए थे। 84 गांव जो है वो मंदिर को समर्पित किए थे, क्योंकि ठाकुर जी का रूप जो है वो चलायमान रूप है। जैसे मनुष्य को सर्दी लगती है वैसे ही इनको भी रजाई पहनाई जाती है, जैसे बारिश होती है तो इनके भी छाया की जाती है, ये बीमार भी पड़ते हैं, ये स्वस्थ भी होते हैं। सारे मनोरथ के हिसाब से मंदिर का एक अपना एक अलग खर्चा होता है मैनेजमेंट का। तो दोस्तों ये जो शिलालेख लगे हैं महाराणा जगत सिंह ने जिस तरीके से भव्य मंदिर की स्थापना की थी, जिस तरीके से मंदिर स्थापना के दौरान जिस तरीके से भव्य भोज का आयोजन किया गया था, ऐसा भव्य भोज जो आज के जमाने में किसी बड़े रईस के द्वारा मुझे ऐसा भव्य भोज मुमकिन नहीं है। जैसा कि जोगिंदर जी ने आपको बताया कि 700 हाथी दान किए गए, सैकड़ों घोड़े दान किए गए, सैकड़ों गाय दान की गई, साथ में 84 गांव दान किए गए। इन्हीं सबका उल्लेख इन्हीं शिलालेखों में लिखा है और इन शिलालेखों की आप हालत देख सकते हैं कि शिलालेखों के पास में कुर्सी पड़ी हुई है। इन्हीं शिलालेखों के बाद में हम लोग बताना चाहेंगे कि किस तरीके से मंदिर की भव्य प्राचीर आपके सामने दोस्तों नजर आ रही है। कल रथ यात्रा निकाली जाने वाली है। इस रथ यात्रा को महाराणा जगत सिंह के काल से निकाला जाता था, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे आपको जोगिंदर जी भाई साहब जी। आप ये देखिए कि ये जो स्कल्पचर है ये अपने आप में बेहतरीन है। ये उदयपुर की दूसरी ऊंची पहाड़ी है राजमहलों के बाद में। आप ये देखिए कि नीचे हाथी के ऊपर स्तंभ बनाए हैं, उनके ऊपर घोड़े बनाए हुए हैं, उनके ऊपर पाषाण की मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियां आपको खंडित लगेंगी, ये इतिहास का एक अध्याय है। एक समय में जगत सिंह जी की बड़ी संतान थी महाराणा राज सिंह जी। आइए भट्ट साहब आगे चलते हैं। राज सिंह जी जो थे उनके संतान थी, उनके काल में एक बार औरंगजेब ने ये नियम निकाला कि कोई भी अपने मंदिरों की सुरक्षा नहीं करेगा। तो उसके तहत राज सिंह जी ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए, और उन्होंने बहुत से काम किए और एक प्रसंग बीच में आता भी है कि चारूमती ने उनको एक भेजा था कि भाई मैं जो है औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो राज सिंह जी ने उनका वरण किया। श्रीनाथ जी के जो लाके उनको सिहाड़ में पधराया। तो ये सारी जो संस्कृति उनमें महाराणा जगत सिंह जी के काल से आई थी। जगत सिंह जी ने अपने जीवन काल में 24 साल शासन किया, उसके साथ में उन्होंने धर्म के प्रति बहुत ही वो विशेष रखते थे। उन्होंने कई बार तुलादान किया, उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर, उसके बाद बनारस, उसके बाद सभी जगह गए और इन्होंने वहाँ पर दर्शन किए जगदीश के भव्य साउथ में,
उसके पश्चात उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपने उदयपुर में भी एक ऐसा ही भव्य मंदिर बनाऊं ताकि मेरे जो यहाँ की जनता है वो इसके दर्शन से वंचित नहीं रहे। और ठाकुर जी का विग्रह स्वरूप है, इन्होंने जब गोसाई जी ने इनको कंठी माला दी थी, वृंदावन गोकुल दर्शन करने गए थे, गोकुल दर्शन करने गए थे, उस समय क्या हुआ कि इन्हों को जो कंठी माला उन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में बताया तो ये इतने प्रभावित हुए, उन्होंने वहीं से उनकी कंठी माला पहनी और वैष्णव धर्म का पालन किया। उसके बाद उन्होंने आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, राजपूत राजा ने वैष्णव कंठी माला धारण करके मदिरा का त्याग कर दिया, मांस का त्याग कर दिया, बिल्कुल ब्राह्मणी जीवन शैली अपना कर, जो जो भी वैष्णव धर्म में पालन होते हैं उनके सारे धर्म उन्होंने अपना कर उदयपुर आते ही इस भव्य मंदिर की आप प्राचीर देख सकते हैं दोस्तों, का किस तरीके से जगदीश मंदिर की भव्य प्राचीर है। यहाँ की मूर्तियां देख सकते हैं जो कि महाराणा राज सिंह के काल में, महाराणा राज सिंह के काल में औरंगजेब के द्वारा, मतलब औरंगजेब की सेना देवारी के घाटे में आ गई, देवारी के घाटे में आने के बाद में सादुल्ला खां, इक्का ताज खां और आजम खां को जब औरंगजेब की सेना को जब शहर में भेजा गया यहाँ के मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए, और जब सेना यहाँ पे जगदीश मंदिर के प्रांगण में पहुंची तो किस तरीके से 20 माचा तोड़ योद्धाओं ने जगदीश मंदिर को बचाने के लिए अपने जीवन की बलि लगा दी। पूरे दिन जगदीश मंदिर पर 20 माचा तोड़ योद्धाओं ने 20,000 मुगल सैनिकों को रोके रखा, और किस तरीके से पूरे दिन रोकने के बाद में अपने जीवन की बलि देने के बाद में इन माचातोड़ योद्धाओं को दोस्तों बताना चाहूंगा, जगदीश मंदिर के प्रांगण में अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में एक बड़ा चित्र भी लगा हुआ है पहले, काफी पहले से, और साथ में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में एक पत्थर पे एक उल्लेख है जो कि स्कूल के बाहर में लगा हुआ है जिसमें माचातोड़ योद्धाओं का जिक्र है, नरू बारड़ का जिक्र है जिन्होंने उन 20 माचातोड़ योद्धाओं का नेतृत्व किया था। भट्ट साहब, माचा तोड़ का मतलब ये हो गया कि वो अपने प्राणों की आहुति दे देंगे और उसी पलंग के ऊपर उनकी अर्थी निकलेगी। कुल मिला के आज हमारा थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी हुआ था और हमने एक बहुत पुरानी 150 साल पुरानी किताब में पढ़ा कि माचा तोड़ शब्द का मीनिंग क्या है। माचा तोड़ का मतलब, माचा मतलब पलंग, पलंग का मतलब ये है कि अब इन योद्धाओं ने यहाँ पे पलंग डाल लिया है, अब ये यहाँ से मर कर ही जाएंगे, अब इनका माचा यहीं पर है, ये सिर्फ मर कर उठेंगे या जीत कर उठेंगे। माचा तोड़ योद्धाओं का अंतिम सत्य लड़कर मरना था और उन माचा तोड़ योद्धाओं ने किया ऐसा ही, औरंगजेब की पूरी सेना को पूरे दिन तक रोक के रखा। इस बात का साक्ष्य देता है, आप ये देखिए इसकी मूर्तियां जो जब उनको कुछ नहीं मिला यहाँ पर आने के बाद लूट मार करने के लिए, क्योंकि राज सिंह जी जो थे वो उनको ये पता था कि इसका परिणाम क्या होंगे, तो उन्होंने पूरा शहर खाली करा दिया, रसद खाली करा दी सारी की सारी। जब वो आए 20 माचा तोड़ सिपाहियों ने अपना रक्त रंजित इतिहास लिखा, आज उसकी जो समाधि है वो अभी बड़ी बुरी हालत में है, उसका पहले आपने वीडियो बनाया था, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका आप कुछ कराइए। एजेंसी इंडिया का प्रयास रहेगा कि इन माचा तोड़ योद्धाओं के बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा पता पड़े, और साथ में ये एक धरोहर है शोधार्थियों के लिए, क्योंकि जब अपन ये टूटी हुई मुगलों का आक्रमण और ये मूर्तियां बताएंगे, आप देख सकते हैं किस किस तरीके से हर मूर्ति के किसी का हाथ टूटा है, किसी हाथी की सूंड टूटी है। उन्हीं योद्धाओं का कमाल है कि मुगल सेना सिर्फ रात को मंदिर प्रांगण में घुस पाई और इतनी तोड़फोड़ कर सकी, मंदिर के अंदर तोड़फोड़ नहीं कर पाई, हालांकि बाहर काफी उन्होंने कुछ तोड़फोड़ की, लेकिन उन 20 माचा तोड़ योद्धाओं ने पूरे जगदीश मंदिर को बचा लिया। आज जो रथ यात्रा निकाली जा रही है इसमें इन माचा तोड़ योद्धाओं का, इन 20 योद्धाओं का कोई जिक्र नहीं है, विशेष महत्व है उनका, सबसे बड़ा महत्व अगर आपसे दोस्तों बताया जाए तो उन माचा तोड़ योद्धाओं का है जिनके कारण आज इस जगदीश मंदिर की महान प्राचीर आपके सामने देखने को मिल रही है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब मंदिर को राज सिंह के काल में नुकसान पहुंचा दिया गया, उसके बाद में दो राजाओं का काल और आया, उसके बाद में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का काल आया, उन्होंने मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार करवाया, ज्यादा से ज्यादा मरम्मत करवाई और दोबारा एक ब्रह्म बोध और एक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करवाया, इसके बारे में जोगिंदर जी आपको बताएंगे। जी, वो समय एक शांति काल आ गया था, एक आक्रमण हुआ, मंदिर ने आक्रमण झेला, हानि होगी स्वाभाविक बात है, ये सारे जो पत्थर हैं भदेसर से आए हुए हैं और इनका निर्माण जो है वहाँ बना था, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा चौक नहीं था,
तो भद्रेसर का एक चौक था, वहाँ कारीगर दिन रात काम करते थे और ये पत्थरों का निर्माण होता था, इसलिए उसको भद्रेसर का चौक कहा जाता है। मुझसे बहुत से जने पूछते हैं भद्रेसर की हवेली भी है क्या, तो मेरे को कहना पड़ता है कि भद्रेसर का चौक इसलिए कहा जाता है कि जगदीश मंदिर के पत्थर वहीं तैयार हुए हैं। वहाँ से लाके इनकी कुर्सी, बहुत ऊँची कुर्सी है, 32 सीढ़ियाँ चढ़ के हमको यहाँ आना पड़ता है, और उसके बाद गर्भगृह की अलग सीढ़ियाँ हैं, ऊपर मंडप बना हुआ है, और इसमें चार तरफ जो है, एक तो सूर्य मंदिर, गणेश मंदिर और शिव जी का मंदिर, शिव पार्वती का मंदिर, और छोटी छोटी देवी देवालय अनेक से हैं। अब ये जो मंदिर को आप पीछे की तरफ अपन चलेंगे तो बहुत सा इसका हिस्सा अभी कष्ट में भी है, यही कहना चाहिए, अब धरोहर है, इनको संभालने के लिए कहीं पीपल उग गए हैं, अभी रथ यात्रा से एक दिन पूर्व की बात है और बारिश ने अभिषेक किया है, आप देखिए बड़ा आनंद आ रहा है हमको, रथ यात्रा से पूर्व बड़ा आनंद आ रहा है। और आप ये देखिए, इस बात को हम कह रहे थे कि मंदिर का मेंटेनेंस ऑटोमेटिक जो है भगवान ने, दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा, मैं आपकी नजर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बारिश में जगदीश मंदिर का नजारा आपको देखने को मिल रहा है, जगदीश मंदिर की प्राचीर पर किस तरीके से मेंटेनेंस के अभाव में पीपल के पेड़ उग गए हैं। थोड़े दिन कुछ वर्ष पहले इसकी मरम्मत का प्रयास किया गया था, लेकिन ढाक के तीन पात वाले हाथ आप सामने स्थिति देख पा रहे होंगे। जगदीश मंदिर का इतिहास इतना भव्य रहा दोस्तों कि इसके बनाने वाले लोगों को, इसके बनाने वाले मैकेनिकों को, इसके बनाने वाले लोगों को, इंजीनियरों को गांव दान किए गए थे महाराणा जगत सिंह के द्वारा। इतना भव्य इतिहास रहा है जगदीश मंदिर का। कल जो रथ यात्रा निकाली जाने वाली है आपके साथ में, आपके सामने उदयपुर के से निकाली जाएगी, जो मंदिर प्रांगण से स्टार्ट होगी और समूचे शहर में यात्रा करेगी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा जगदीश मंदिर उदयपुर की। धन्यवाद दोस्तों, न्यूज एजेंसी। एक बात और कहना चाहूंगा मैं भट्ट साहब से कि आज जो हमने बारिश में शरण ली है, ये महाराणाओं के सूर्यवंशी कहलाते हैं, उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा, ये एक देवरी उनकी है, सूर्य का मंदिर है ये। आप यहाँ की भी आप प्रतिमा देखिए, बड़ी बेहतरीन प्रतिमा है, और यही हमने आज शरण ली है सूर्य भगवान की छत्र छाया में। धन्यवाद दोस्तों, newsagencyindia.com उदयपुर। आप सभी का हार्दिक आभार। जय जगन्नाथ स्वामी की।